करते हैं, देखते हैं एक बाइट में कितना कटता है, आपको दिखाते हैं। एक बाइट में बस इतने कटा, देखिए इतना बड़ा आप लोग सोच सकते हैं। बड़ा सा तालाब है जिसमें 20-20 किलो के, 30-30 किलो की बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन मनी ब्लॉग गाइस। दोस्तों आज है दूसरा दिन और दोस्तों आज आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, चूँकि इसमें बैठ कर हम जाएंगे। तो दोस्तों आज कुछ आपको अलग दिखाएंगे, तो चलिए दोस्तों चलते हैं वहाँ पर और आपको दिखाते हैं। हम फाइनली दोस्तों बोलेरो से निकल चुके हैं और यहाँ पर देखें जो कि पीरू का खेती हो रहा है, जो कि अभी तैयार नहीं हुआ है बट इस पर कवर लग गया है। और दोस्तों फाइनली आपको दिखा रहे हैं काफ़ी एक बड़ा सा तालाब है जिसमें 20-20 किलो के, 30-30 किलो की बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं दोस्तों, ये है तालाब भाई साहब, देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी गहरा, ये काफ़ी गहरा और ये काफ़ी कितना प्यारा लग दोस्तों, एकदम हरा हरा नीचे है, आप लोग को दिख रहा होगा शायद। और बीच में ये देख पा रहे हैं जो कि पानी पानी आ रहा है, जो कि इधर पूरा खेती है, जो कि इधर का जो पानी रहता है वेस्ट वाला तो इसमें जाता है तो खेती होता है। नहीं भाई यस, और ये जो है ना कौन सा बोमा है वो पानी जाता है, इसमें इसमें लाइट लगा है। अच्छा, पानी ने अंदर लाइट लगा है, पानी के अंदर लाइट लगा है। हाँ, मोटर लगा है। सो दोस्तों पानी के अंदर मोटर लगा है, लाइट लगा है, हमको ये भी नहीं मालूम है। और जो ये पाइप आप लोग देख पा रहे हैं, इस पाइप के साथ पूरा खेती को पानी दिया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। हमारे यहाँ तो दोस्तों पंप सेट रहता है बट यहाँ पे दोस्तों यही रहता है। तो दोस्तों आज का आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। खाने गए 20-30 किलो के मछली, बट दोस्तों उसमें थी हैं बट वो पानी के अंदर दोस्तों अभी बाहर नहीं निकले हैं, जो कि वो भी अभी सोई हैं। तो दोस्तों ये देख पा रहे आपको दिखाते हैं जो पीरू है ना दोस्तों, जो कि अमरूद, जो कि अभी काफ़ी छोटा है और छोटा है दोस्तों, इसको कवर लगा दिया गया है जो कि नुकसान ना हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड दोस्तों अभी हम पता नहीं कौन सा फल भरेंगे, हमको लग रहा है अनार भरेंगे या सीताफल, जो काफ़ी महंगा महंगा है दोस्तों आता है, एंड हमको खुद भी नहीं मालूम अभी क्या भरेंगे। तो वेट करते हैं दोस्तों, तो आप भी वेट कीजिए और देखिए गाइस, आप लोग हमारा सेलिब्रेटिंग शॉट अच्छा लगता है हम भी जानते हैं, बट आप लोग सेलिब्रेटिंग शॉट काफ़ी तगड़ा इस समय दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों सेलिब्रेटिंग शॉट चेक कीजिए, अभी देखा कि एक कुत्ते ने हम लोग को दौड़ा दिया था और जो बगीचे का रखवाली कर रहा था काफ़ी डेंजरस तक वो मतलब डॉगी था, जी का हम उधर से जा रहे थे, इतने स्पीड तक वो दौड़ा रहा था बट वो अंदर था, जो कि जाली से घेरा हुआ था तो वो अंदर था। हम दोस्तों ऊपर बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इधर इधर हो रहा है जो काफ़ी मजा आ रहा है। तो दोस्तों चलते खेती में और आपसे मिलते हैं। हम आ चुके हैं अपने काम पे और फिलहाल दोस्तों इतना हम करंट निकाल चुके हैं और हमको काम करना अब शुरू करना है, और टाइम मिलेगा तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ का शॉट दिखाएंगे। तो फिलहाल में दोस्तों आज ही वही काम हमको करना है जो कि पीरू का अमृत रुन्नी उसको बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों काम करके और आप सबको शॉट दिखाते हैं, तो देखिए वीडियो को इन्जॉय कीजिए। हमको आते हैं, हमको भूख लग गया है और अपने दोस्तों इतना ज़्यादा फल है तो हमको क्या ज़रूरत है, आइए दोस्तों तोड़ते खाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे जो सबसे ज़्यादा मीठा नहीं है ना, वो मीठा वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम दोस्तों ये तोड़ते हैं जो कि लगभग 500-600 ग्राम का है, आधा किलो का दोस्तों ये, और ये खाते हैं काफ़ी बड़ा है दोस्तों, इसको खाते हैं और अपना थोड़ा भूख को मिटाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप खा लीजिए, आप तो मिलेगा नहीं बाकी आपको खिला दे रहे हैं, चलिए। और मैं भी खा रहा हूँ। तो दोस्तों को बताएंगे एक बात, हम एक बाइट करते हैं, देखते हैं एक बाइट में कितना कटता है, आपको दिखाते हैं। एक बाइट में बस इतने कटा, देखिए इतना बड़ा आप लोग सोच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनी रही और इंजॉय कीजिए।
सब देख पा रहे हैं, वड़ा पाव है मुंबई का सबसे फेमस। और बुधन भाई वड़ा पाव खा रहे हो? यस। सो गाइस, ये मुंबई के सबसे फेमस है वड़ा पाव, जो कि काफ़ी हमारे जो इडली मिलता है ना, क्या बोलते हैं चोखे का पकौड़ी और ये पाव, सेम वही है बट यहाँ पर वड़ा पाव करते हैं इसको, तो इसको खा लेते हैं, उसके बाद सबसे मिलते हैं, तो इन्जॉय कीजिए। काम खत्म हो चुका है दोस्तों, और हम जा रहे हैं दोस्तों अब घर। और दोस्तों कुछ इस तरह से रोड से जा रहे हैं, एंड दोस्तों फाइनली हम अपना काम ख़त्म कर लिए हैं, जो कि लगभग शाम के 5 बज गया है, और इस समय तक हम काम कर रहे थे दोस्तों। तो चलते दोस्तों रूम पे, काफ़ी थक गए हैं दोस्तों। और कल दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आया है, कल का ब्लॉग मिस मत कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं रूम पे। हमने बनाया है और लास्ट रोटी हम दोस्तों बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोटी कैसा बनता है। तो रोटी दोस्तों पक रहा है और देखते हैं हमसे पक पा रहा है नहीं पक पा रहा है। अगर ये फूल जाएगा तो लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, और देखते हैं इसको फुला के फूलता कि नहीं फूलता है। फूल जाइ हो, फूल जाइ, देखा तुम्हें फूलता कि नहीं, पहले से खराब हो गई बा, खराब हो गई तो नहीं तो फाइनली दोस्तों रोटी हम फुला दिए, देख पा रहे हो फुला है, थोड़ा बहुत फुला है, इसको छोड़ दे रहे हैं। और हमने दोस्तों फाइनली रोटी को फुला दिया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जा रहे हैं दोस्तों खाना खाने की।